जनपद कौशाम्बी में फर्जी फास्टैग के जरिए वाहनों को अवैध रूप से पास करते थे शातर बैंकों के एजेंट, की फर्जी आईडी बनाकर अपराध करते थे अपराधी। आपको बता दें कि अपराधों का जो सिलसिला है इसका दर बढ़ गया है। एक फास्टैग कार्ड के से एक दिन में 70 से 80 वाहन पास कराते थे टोल प्लाजा के इस पार, और उस पार खड़ा रहता था गिरोह का एक सदस्य। आपको बता दें कि इस तरह की जो वारदात है वो सामने आई है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गिरोह के 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है और शातिरों के पास से 20 फर्जी फास्टैग एवं एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए गए हैं। एक फर्जी फास्टैग का खुलासा हुआ, फर्जी तरीके से बनाते थे और काफी कुछ नुकसान हुआ है, कैसे क्या है इस मामले को अंजाम दिया? देखिए, विगत दिनों में कौशाम्बी पुलिस को विशिष्ट सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि हमारे यहाँ जो कोकराज टोल प्लाजा है, यहाँ आने जाने वाले वाहनों में कूट रचित फास्टैग का उपयोग करके वाहनों को भारी मात्रा में पास कराया जा रहा है। इसके अनावरण के लिए मेरे द्वारा साइबर सेल की जो टीम है और इसके साथ 3 अन्य टीमों का गठन किया गया था, इनके द्वारा बड़ी सक्रियता से और कुशलता से कार्य किया गया और कल 20 तारीख को इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 सदर फास्टैग कार्ड जो अवैध हैं उनको बरामद किया गया और इस घटना को पूरा अंजाम देने के लिए 4 अदद जो मोडक मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, जो इसी काम के लिए प्रयोग में कर रहे थे, उसे भी बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये अलग अलग बैंकों के माध्यम से फास्टैग की एजेंट आईडी प्राप्त करके कोकराज जो हमारा टोल प्लाजा है उसके आसपास ये फास्टैग बनाना शुरू कर देते थे। इसके बाद ये एक काल्पनिक वाहन नंबर या कोई अज्ञात वाहन नंबर इसको भर करके अपने ही लोगों के, अपने गिरोह के सदस्यों के मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी मंगा करके फर्जी फास्टैग आईडी क्रिएट कर लेते थे। टोल का जो जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं उसके दोनों तरफ आउटर पे इनके गिरोह के सदस्य खड़े हो जाते थे और जो बड़े वाहन हैं, खासकर जो ट्रक हैं जिसका 1250 रुपये टोल कटता है, उनको ये वो फर्जी फास्टैग सिर्फ 500 रुपये में देते थे और जब वो वाहन पार कर जाता था तो दूसरी तरफ खड़ा हुआ इनके गिरोह का सदस्य उस फास्टैग को ले लेता था। चूँकि कोकराज टोल प्लाजा पर इस तरह का नियम है कि जब तक ये यहाँ से एंट्री की हुई गाड़ियाँ एग्जिट नहीं करती थी तब तक उसका ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होता था, इसी लूपहोल पर इन्होंने फ़ायदा उठाया और पार करने के बाद वाहन को दूसरा फास्टैग आईडी दे करके उससे एग्जिट कराया जाता था जिससे टोल प्लाजा को कोई भी ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होता। कंपनी को अब तक में कितने क्या लगभग चूना लगा है कुछ? कंपनी को अब तक लगभग 1.5 से 2 करोड़ का घाटा होने की बात प्रकाश में आई, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हुआ हो, चूँकि वो चीज़ अभी कितनी गाड़ियाँ कम से कम एक फास्टैग पर ये 70 से 80 गाड़ियों को एक दिन में पार करा देते और उससे इन्हें कम से कम एक फास्टैग पर 35 से 40 हज़ार रुपये की बचत हुई। सर, ये क्या दुकान, ये जो दुकान कहाँ पे, सहज जन सेवा केंद्र पे फास्टैग बनाते थे, कहाँ पे बनाते थे? ये टोल प्लाजा के दोनों तरफ ये छोटे छोटे गुमटी लगा लेते थे और टहलते हुए रहते थे और चूंकि ये जो वाहन चालक थे उनसे संपर्क सीधे कर लेते थे इनके गिरोह के सदस्य और वहीं बना देते थे फास्टैग। अभी इसमें कितने आरोपी बाकी हैं? अभी इसमें कम से कम 5 आरोपी बचे हुए हैं और जो अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं, अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे और उनसे और भी चीज़ों की जानकारी।